Friends, welcome to another episode and let's talk about some biryani today. और बिरयानी की बात अधूरी है फ्रेंड्स जब तक हम लोग पैराडाइज के बारे में बात ना करें. बहुत ही प्रोमिनेंट रेस्टोरेंट टू सर्व आउट बिरयानी और अब तो खैर ये पूरे इंडिया में है, लेकिन एक वक्त था जब ये लोग सिर्फ सिकंदराबाद में बेस्ड थे. तो हम लोग कुछ हिस्टोरिकल बातें करते हैं अबाउट दिस आइकॉनिक रेस्टोरेंट कॉल्ड पैराडाइज. तो दोस्तों, When they started in the year 1952, तो पैराडाइज मूवी हॉल के बाहर एक छोटे से कैफेटेरिया की जगह मिली थी और एक छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर साथ में था. एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला गया जो कि प्राइमरली जो मूवी गोअर्स थे, और 50s और 60s और 70s में मूवी गोअर्स बहुत होते थे, तो वो लोग आते थे और साथ में कैफे भी चलता रहता था. बट बाई दी 80s वीडियो पायरेसी आर टेकन इट्स रूट और जो वो जनता जाया करती थी मूवी देखने वो आना कम हो गई और धीरे धीरे करके मूवी हॉल्स डिमिनिश होते चले गए. और जब मूवी हॉल्स डिमिनिश हो रहे थे, साथ में मल्टीप्लेक्सेस का बहुत जबरदस्त तरीके से आवागमन हुआ इंडिया में, सो विच लेड टू दी डेथ ऑफ पैराडाइज मूवी हॉल. लेकिन ये जो कैफेटेरिया था ये चलता रहा. और जनाब क्या चल रहा है, लाजवाब एरोमेटिक बिरयानी बनाते हैं, आज की तारीख में तो पूरे इंडिया में सर्व आउट कर रहे हैं. नाउ दे हैव बीन फंडेड बाय वीसीज. गुड पीस ऑफ ट्रिविया, हाउ अ गुड फूड रेस्टोरेंट कैन कन्वर्ट इनटू अ बिग ब्रांड, और ये हमें इनसे सीख लेनी चाहिए. तो दोस्तों याद रखें, अगली बार जाए हैदराबाद पैराडाइज की बिरयानी जरूर खाएं, ये पीस ऑफ ट्रिविया जरूर याद रखें. साथ साथ इफ यू लाइक द चैनल डू सब्सक्राइब टू अस, वी आर देयर ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर, डू रिमेम्बर टू प्रेस द बेल आइकन.